हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फील लाइफ विथ रेनू। तो फ्रेंड्स, अभी क्रिसमस और न्यू ईयर की सेलिब्रेशन चल रहा है, तो ऐसे में केक बनाना बनता है, इसलिए आज मैं प्लम केक की रेसिपी लाई हूँ आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं किसे मैंने कैसे बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को कट करके लिया है। तीन तरह का रेजिन्स है, ऑलमंड्स है, कैश्यू है, वॉलनट है और चेरी। मैं टूटी फ्रूटी भी यूज करूँगी। इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स है फ्रेंड्स, एक बाउल मैदा, हाफ कप मिल्क पाउडर, हाफ कप रिफाइंड ऑयल, आधा ग्लास पानी, वनीला एसेंस, हाफ कप मिल्क, हाफ कप शुगर, ये पाउडर शुगर है मैं यूज करूँगी, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, ये पिंच ऑफ सॉल्ट है, ये केक का स्पाइस है फ्रेंड्स, इसमें आधी दालचीनी, आधा नटमेग, 4 छोटी इलायची और 5 लौंग है जिसे मैंने बारीक कूट कर पाउडर बना लिया था और इसे छन्नी से छान कर लिया है, इसे फ्लेवर अच्छा आएगा। यहाँ पर मैं फ्रेश ऑरेंज जूस यूज कर रही हूँ। देखिए, मैंने एक ऑरेंज से इतना आधा गिलास जूस निकाला है लेमन स्क्वीजर से। आप चाहें तो मार्केट का भी जूस यूज कर सकते हैं। तो अब मैं एक बोल लूँगी और उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को डालकर ऑरेंज जूस डालकर सोक कर दूँगी और माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए चला दूँगी। आप चाहें तो इसे गैस पे भी बॉईल कर सकते हैं। ये देखिए हो गया है। अब मैं इसे ढककर रख दूँगी ताकि सारा फ्लेवर अब्जॉर्ब कर लेगा नट्स। अब मैं शुगर को कैरमलाइज करूँगी। तो मैंने आधा कप जो शुगर लिया था वो मैं सॉसपैन में डालकर हाई फ्लेम पे चढ़ा दूंगी। पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स, और इस तरह से हमें चलाते रहना है, ये अपने आप कैरमलाइज हो जाएगा धीरे धीरे। ये देखिए हो गया है। जैसे ही हम सटने लगे तो हमें गैस को ऑफ कर देना है और ये जो आधा ग्लास पानी लिया था वो मैं डाल दूँगी और मिक्स करके अच्छी तरह से फिर गैस को ऑन करके 1 मिनट तक कुक करूँगी। देखिए हो गया है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो सबसे पहले मैं केक टिन रेडी कर लूंगी। तो मैं बटर से ग्रीस कर दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच मैदा डालकर चारों तरफ फैला दूंगी और जो एक्सेस मैदा है उसे फेंक दूंगी। ये देखिए हमारा केक टिन रेडी हो गया है। मैंने ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए ऑन कर दिया है। अब चलिए केक का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बड़े से बर्तन में दूध डाल दिया है, 2.5 चम्मच पाउडर शुगर, 3 ऑयल है। अब तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी 1 मिनट तक। हमें इसे क्रीमी या फ्लफी होने तक मिक्स नहीं करना है। ये देखिए हो गया मिक्स अच्छी तरह से। अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने मैदा डाला है, मिल्क पाउडर, ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये हमारा केक का मसाला है, सॉल्ट और ये वनीला एसेंस 10 से 12 ड्रॉप, चम्मच से नापे तो 1 चम्मच होगा, और ये हमारा शुगर सिरप है करेमलाइज, और ये सोक्ड ड्राई फ्रूट्स। सारे चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इस तरह से मिक्स कर दूंगी। अच्छा केक बनने के लिए फ्रेंड्स, ओवन को पहले से गर्म कर दें, प्री हीट कर दें और केक टिन को भी रेडी करें, क्योंकि बैटर बनने के बाद तुरंत ओवन में हमें बेक करने के लिए डालना होता है। तो अब मैं इस बैटर को केक टिन में डाल दूंगी। अच्छी तरह से सारे बैटर को डाल दूंगी और 1-2 बार टैप कर दूंगी। इस तरह से जो इसमें एयर बबल्स होंगे वो हट जाएंगे। फ्रेंड्स, आप इस केक को कढ़ाई में ही बना सकते हैं। टॉप पे मैं काजू और आलमंड से गार्निश कर रही हूँ।
कढ़ाई को आप गैस ऑन करके कढ़ाई को चढ़ा दें, उसमें कोई भी एक रिंग या स्टैंड डाल दें और 5 मिनट के लिए प्री हीट करें हाई फ्लेम पर, और उसके बाद केक टिन को रख दें और 1 घंटा तक के लिए बेक करें। उसमें भी अच्छे से बेक हो जाएगा। अगर ओवन नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैं 180 डिग्री पे कन्वेक्शन मोड में ही 42 मिनट के लिए टाइमर लगा दी हूँ फ्रेंड्स, बट मेरा केक 40 मिनट में ही अच्छे से बेक हो गया था। ये देखिए फ्रेंड्स, 40 मिनट्स के बाद हमारा केक रेडी है, अच्छे से बेक हो गया है। केक अच्छे से बेक हुआ है या नहीं चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप केक के अंदर टूथपिक या नाइफ इंसर्ट करके देखें। अगर क्लीन आउट है तो समझे कि आपका केक परफेक्ट बेक हुआ है। देखिए मेरा नाइफ क्लीन आ रहा है, तो अच्छे से बेक हो गया है 40 मिनट्स में। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ठंडा हो गया है। अब मैं इसे डीमोल्ड कर रही हूँ, हल्का सा टैप करूँगी तो हो जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है स्पंजी। अब मैं इसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं गार्निशिंग के लिए चेरी यूज कर रही हूँ और ऑलमंड्स। मोस्टली लोग प्लम केक को क्रिसमस में खाते हैं, इसे क्रिसमस केक भी कहते हैं। अब मैं पाउडर शुगर से आइसिंग कर रही हूँ, इसे और अच्छा लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब कट की बारी है। देखिए कितने अच्छे से कट हो रहा है। ए लॉट्स ऑफ नट्स एंड फ्रूट्स हैं इसके अंदर। स्वीट एंड सोर केक बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए नट्स हैं, कितना स्पंजी सॉफ्ट बना है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ज़्यादातर सामान तो घर पे अवेलेबल होते हैं। ये केक बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आता है। तो मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। तो मैं फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।